आज हम हरी मिर्ची से काफी बढ़िया तीखा चटपटा भरवा अचार बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1.5 कप सरसों का तेल गरम करने के लिए रखा। तेल अच्छा गरम हो जाए इतना हमें इसे गरम करना है। इसमें से धुआं आने लगा है और हाथों पे इस तरह से करने से गर्मी लग रही है। बस गैस को आप बंद कर दीजिए, तेल ठंडा करने के लिए साइड में रख दीजिए। मैंने 1/4 कप ये सूखा धनिया लिया है। इसी के अंदर हम मोटी वाली सौंफ डालेंगे 2 चम्मच, 2 से 3 चम्मच आप डाल सकते हैं। 2 चम्मच मैंने जीरा लिया है। इन तीनों चीजों को आपको हल्का सा रोस्ट करना है या फिर इसे 10 से 15 मिनट के लिए तेज धूप में आप सूखने के लिए रख दीजिए, ताकि इसके अंदर जो भी नमी रहे वो हमारी दूर हो जाए। ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है। इसके बाद मैंने इसी के अंदर ये 1 चम्मच मेथी दाना डाला है। गैस को मैंने अभी बंद नहीं करा है। मेथी दाने को आपको बिल्कुल लास्ट में ही डालना है। देखिए काफी अच्छे से रोस्ट हो चुका है। इसे आप अलग प्लेट में ठंडा करने के लिए रख दीजिए। इसी के अंदर मैं 1/2 कप पीली वाली जो सरसों आती है, सरसों की दाल, इसका मैंने यूज करा है। इसे बस हमें हल्का सा ही करना है, ज्यादा नहीं भूनना है। सिर्फ इसकी जो नमी रहती है उसे हमें दूर करना, ताकि हमारा अचार है जो बिल्कुल भी खराब ना हो। देखिए अच्छे से ये रोस्ट हो गई है, हल्की हल्की इसमें से खुशबू आने लगी है। मैंने गैस को बंद करके उसे ठंडा करने रख दिया। मैंने इस तरह से मोटी वाली जो हरी मिर्ची आती है इसका यूज करा है। मिर्ची का जो ऊपर वाला हिस्सा मैंने इसे निकाल दिया और बीच से इसे कट कर दिया है। बस इसी तरह से आपको मिर्ची तैयार करनी है। पूरा नीचे तक इसे कट नहीं करना है, बस ऊपर की एक लेयर में। उसके बाद सारी मिर्ची मैंने इस तरह से तैयार कर ली है। अब जो छीलने वाला चाकू रहता है इसे आप ले लीजिए और इसके अंदर के जो बीज है बिल्कुल हल्के हल्के ही हमें निकालना है। बहुत ज्यादा नहीं निकालना है, सिर्फ बीज आप निकालिए, ताकि इसके अंदर क्या है थोड़ा सा गैप कम रहता है तो मसाला हम अच्छे से भर सके, ताकि मसाले का स्वाद इसमें काफी बढ़िया आ जाए। बस इसी तरह से मैं सारी मिर्ची तैयार कर लूंगी। देखिए काफी अच्छे से मिर्ची हमारी तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो इनके बीज का भी यूज कर सकते हैं, इसके अंदर मैं बीज का यूज नहीं कर रही हूँ। मैंने मिक्सी का जार लिया है। सारी चीजें हमारी अच्छे से ठंडी हो जाए उसके बाद ही आपको इसे ग्राइंड करना है। दाल भी हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी है, इसे भी आप इसमें डाल दीजिए। इन सबको आपको थोड़ा सा दरदरा ग्राइंड करना है। ये देखिए इस तरह से मैंने दरदरा ग्राइंड कर लिया है। दरदरा ग्राइंड करेंगे टेस्ट जो है इसका मसाले का काफी बढ़िया आएगा। मैंने एक बाउल में इसे निकाल दिया है। इसी के अंदर मैं हल्दी डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच। तीखेपन के लिए इसके अंदर मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची का यूज करा है 1 चम्मच। अमचूर डाल दीजिए इसमें आप 2 चम्मच, अगर खट्टा ज्यादा पसंद करते थोड़ा सा ज्यादा भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच मैंने काला नमक डाला है। इसमें आप सादा नमक डाल दीजिए अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने लगभग 2 से 2.5 चम्मच इसमें नमक का यूज करा है। 1 चम्मच आप इसमें कलौंजी डाल दीजिए। इसी के अंदर मैं हींग डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच। इन सबको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए काफी अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। इसी के अंदर मैं ये विनेगर का यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो इसकी जगह नींबू का रस भी डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा विनेगर डालिए और इसे मिक्स करते जाइए। विनेगर से आपका अचार जो है बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और साथ में इसमें खट्टापन भी काफी बढ़िया आ जाएगा। बहुत ज्यादा हमें इसे गीला नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा ही डालना है। मैंने 1/4 कप लिया था, इसे मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पूरा डाल दिया है। बस इस तरह से मसाला आपका गीला रहना चाहिए हल्का हल्का। इसी के अंदर ये जो हमने तेल गरम करा था ये भी काफी अच्छे से ठंडा हो चुका है, इसे भी आप इसी के अंदर डाल दीजिए। बहुत ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है। सिर्फ मैंने 2 चम्मच तेल का यूज करा है। इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए काफी बढ़िया हमारा जो है मसाला तैयार हो चुका है। अब इस मसाले को मिर्चियों के अंदर भरेंगे। बस इस तरह से आप सिंपल तरीके से है अच्छे से दबा दबा कर भरिए। बिल्कुल आसानी से भर जाएगा। अगर आपको मिर्ची से कोई दिक्कत है या हाथों में जलन होती है तो हाथों में थोड़ा सा घी लगा सकते हैं, उसके बाद मिर्चियों को खाली करने का काम या मिर्ची को कट करने का काम आप कीजिए, नहीं तो हाथों में जलन होती है। इस तरह सारी मिर्ची मैंने तैयार कर ली। एक कांच का जार ले लिया है, इसे मैंने बिल्कुल अच्छे से साफ कर लिया था। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी हींग की धोनी दी थी। हींग को मैंने पैन में गर्म कर लिया था। जब उसमें से धुआं निकलने लगा था अच्छे से, जब मैंने जार को उसके ऊपर रख के पकड़ कर हाथों से घुमा लिया था ताकि उसमें अच्छे से धुआं लग जाए। इस तरह से सारी मिर्चियां मैं भर के तैयार कर लूंगी। ये देखिए जो मसाला बचा है हमारा थोड़ा सा, इसे भी आप इसी में डाल दीजिए। तेल भी जो है हमारा काफी अच्छे से ठंडा हो चुका है।
इसे भी हम इसी के अंदर डालते जाएं। मैंने पहले एक कप तेल गरम करा था, लेकिन मुझे थोड़ा सा कम लगा था, तो मैंने आधा कप तेल और गरम करके बाद में इसमें डाल दिया था। तेल से अगर भरा हुआ रहेगा अचार, तो आपका अचार कभी भी खराब नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा, जहां से तेल के ऊपर मिर्ची रहेगी वहां पे हल्की हल्की सी फफूंद जो है वो आना स्टार्ट हो जाती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसे हम कम से कम एयर टाइट ढक्कन लगा दीजिए, इस तरह से मिक्स करते रहिए। कम से कम इसे आपको एक हफ्ता घर में ही रखना है, धूप में रखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। एक हफ्ते बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि अचार की कंडीशन कैसे होती है। मुझे एक हफ्ता हो चुका है, ये देखिए कितना बढ़िया हमारा अचार जो है बन के तैयार हुआ। इसमें मैंने तेल बाद में और डाल दिया था, टोटल मैंने 1.5 कप तेल का इसके अंदर यूज करा। ये देखिए मिर्ची, आप देख सकते हैं मिर्ची का कलर भी चेंज हो गया हल्का हल्का, और सारे मसाले से भरी हुई हमारी मिर्चियाँ। इस मिर्ची के अचार पराठे हैं, दाल चावल हैं, या फिर पूरी हैं, किसी भी चीज के साथ में खाते तो काफी बढ़िया और टेस्टी लगता है। इसे आप सर्दियों के मौसम में बना के रख लीजिए, पूरी गर्मी आप इसका आनंद ले सकते हैं, क्योंकि काफी बढ़िया लगती है ये। गर्मियों के मौसम में अचार खाना काफी बढ़िया लगता है। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा बिल्कुल परफेक्ट भरा हुआ हरी मिर्ची का स्टफ अचार जो है बन के तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।